जो सा चाहिए वैसी मन चाही संतान आपको मिलेगी। ये व्रत भागवत में वर्णित है और इतना इसका पुण्य बताया कि किसी भी मां को पुत्र न होता हो या संतान ही न होती हो, संतान हो गई और पुत्र की कामना है या संतान की कामना है तो वो मां इस पुत्र इस व्रत को करें। और ये मैं विशेषता इसलिए बता रहा हूं कि ये व्रत साल में सिर्फ एक बार आता है और संयोग से ये व्रत अभी आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। ये व्रत, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। क्या कहते हैं? पय कहते हैं दूध। तो ये व्रत केवल दूध पीकर के किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 दिनों का ये मंत्र, 12 दिनों का ये व्रत, यानी कि जिस मां को पुत्र की कामना है, संतान न होती हो या पुत्र चाहिए, तो 12 दिनों तक इस व्रत को करें दूध पी करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 12वें दिन रात्रि को जागरण संकीर्तन, 13वें दिन सुबह लक्ष्मी नारायण यज्ञ और 2 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन बना करके, भोजन खिला करके खीर का चरु भर करके दान करना चाहिए। खीर का चरु भर करके दान करना चाहिए। 12 दिनों का ये व्रत केवल दूध पी करके किया जाता है या फिर दूध से बनी हुई वस्तु को खा करके 12 दिनों तक, दूध के अलावा कोई और चीज नहीं खा सकते, केवल गाय के दूध के साथ ही ये व्रत किया जाता है। 12 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन, 12 दिनों तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप। और ये व्रत कब किया जाता है? बोले फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर द्वादशी तक। अभी आगे फागुन का महीना आ रहा है, फाल्गुन का महीना, फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष, चांदन पक्षम जिसको कहते हैं, उसकी एकम से लेकर द्वादशी बारस तक ये व्रत किया जाता है। 13 के दिन इसका उद्यापन, यानी कि 2 ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन करा करके खीर का चरु भर करके दान करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा नियम है। और ऐसा व्रत कोई माँ अगर करती है, निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है और माँ को पुत्र की कामना होती है, तो वो पुत्र तो होता ही होता है और वो पुत्र भी मेरे वामन राम और कृष्ण के जैसा श्रेष्ठ होता है।